इतने उदास क्यों हो नासिर? तारा ने पूछा। नासिर बताता है कि इंग्लिश में उसका एग्जाम कितना मुश्किल था एंड नंबर अच्छे नहीं आएंगे। वो अपनी खराब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को लेकर बहुत बुरा फील करता है। तारा नासिर को चिंता ना करने की सलाह देती है एंड समझाती है कि इंग्लिश जिंदगी में जरूरी नहीं। वो जोशी अंकल का उदाहरण देते कहती है, सोलवा में सबसे अमीर आदमी वो है जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं। जोशी अंकल की एक छोटी सी अचार की फैक्ट्री है जो सोलवा भर में आसपास के गांव में मशहूर है। इत्तेफाक से वो जोशी अंकल को झील के दूसरी तरफ देख लेते हैं, जो अपनी बड़ी महंगी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे। यहां आके मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि हम बड़े होकर अमीर और सफल बने, बिल्कुल जोशी अंकल की तरह। बड़े होने का इंतजार क्यों करना? मेरे पास अभी अमीर होने का एक मस्त प्लान है। मनी बताता है कि उसके कजिन्स हाल ही में उससे मिलने मालपुरा से आए थे और सरोजा आंटी की शॉप से काजू पेड़ा का एक बॉक्स लाए थे। आगे बताता है कि वो काजू पेड़ा इतना अच्छा था कि वो मिनटों में ही सफाशट हो गया। हाँ, अगर तुम्हारा आइडिया काजू पेड़ा खाने का है तो हम सब मोटे हो जाएंगे, अमीर नहीं। मनी थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, मेरी पूरी बात तो सुनो। सरोजा आंटी का काजू पेड़ा सोलवा में बहुत मशहूर है, पर वो काजू पेड़ा सिर्फ उनकी दुकान में मिलता है जो मालपुरा में है। अगर हम मालपुरा जाकर उनकी दुकान से काजू पेड़ा खरीदें और उसे यहाँ सोलवा में बेचें, हम थोड़े ज्यादा पैसे ले सकते हैं और अमीर बन जाएंगे, क्यों? कमाल का आइडिया है, चलो शुरू करते हैं। रात हो गई तो बच्चों ने घर वापस जाने का फैसला किया और अगले दिन नासिर के आम के बाग में मिलकर प्लान बनाने का सोचा। तो क्या ख्याल है, कैसा लगा प्लान? मुझे प्लान तो पसंद आया, पर मुझे एक बड़ी परेशानी नजर आती है। हम मालपुरा तक कैसे जाएंगे और हमें वहाँ कौन ले जाएगा और हमें काजू पेड़ा खरीदने के पैसे कौन देगा? मनी पूछता है कि किसी और को कुछ और पूछना है। आखिरी सवाल गोपी का था, इन काजू पेड़ा को कैसे बेचेंगे और कितने में बेचेंगे? मेरे पापा को मालपुरा में काम है और वो कल सुबह निकलेंगे, हम उनके साथ जा सकते हैं तो जाने में कोई परेशानी नहीं। और पैसों का क्या करेंगे? ठीक है, मैं जानता हूं कि ये एक परेशानी है, पर मुझे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं नजर आता। हमें अपनी गुल्लक को तोड़ना होगा और अपने सारे पैसों को जोड़कर काजू पेड़ा का पहला बॉक्स खरीदना होगा। पहला बॉक्स बेचने के बाद हमारे पास और पैसे आ जाएंगे, हम ज्यादा काजू पेड़ा खरीदेंगे और हम ज्यादा बेच सकते हैं। हम इन गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा करते रहेंगे और इस तरह हम अमीर बन जाएंगे। प्लान तो बढ़िया है, पर हम इसे बेचेंगे कहाँ और कितने में? बहुत आसान है, शर्मा अंकल की टी शॉप के साइड में बेचेंगे। सोलवा में चाय की दुकान एक ऐसी जगह है जहां हर कोई गर्म चाय पीने आता है। मुझे यकीन है कि लोग चाय के साथ काजू पेड़ा पसंद करेंगे, तो इसे बेचना आसान हो जाएगा। और हर काजू पेड़ा मालपुरा में 1 रुपए का है, यहाँ सोलवा में हम इसे 2 रुपए में बेच सकते हैं, तो हमें हर काजू पेड़ा बेचने पर 1 रुपए ज्यादा मिलेगा। बच्चे घर चले जाते हैं, अपनी गुल्लक को तोड़कर पैसे इकट्ठे कर शाम को झील पे मिलने का फैसला करते हैं। बच्चे इस बात से खुश थे कि वो अपने जोड़े हुए पैसों से 100 काजू पेड़ा खरीद सकते हैं। मनी अगली सुबह सबको 7 बजे उसके घर पर मिलने को कहता है। सफर में मनी के पापा बच्चों का अमीर बनने का प्लान सुनते हैं, पर वो उन्हें रोकते नहीं। वो बस इस बात से खुश थे कि बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बजाय वो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनी के पापा उन्हें सरोजा आंटी की दुकान पर छोड़ देते हैं,
वो अपने लिए जल्दी से एक काजू पेड़े का बॉक्स खरीदते हैं और बच्चों को कहते हैं कि वो जल्दी लौटेंगे। बच्चे मिलकर ये फैसला कर रहे हैं कि सरोजा आंटी से बात कौन करेगा। उन्होंने आखिर में ये फैसला किया कि वो मनी होगा जिसे उनसे बात करनी है, क्योंकि पूरा प्लान उसी का था। बच्चे थोड़ा घबराए हुए थे। मुझे 500 काजू पेड़ा चाहिए। क्या 500? नहीं, मुझे 100 काजू पेड़ा चाहिए। पर तुम्हें 100 काजू पेड़ा क्यों चाहिए? क्या तुम्हारे पास इतने काजू पेड़ा खरीदने के पैसे हैं? पूरे 100 रुपए लगेंगे। सरोजा आंटी थोड़ी सोच में पड़ गई और जानना चाहती थी कि क्यों इन लोगों को इतने काजू पेड़ा चाहिए। मनी जल्दी से अपना प्लान उन्हें बताता है और अपने अमीर होने के तरीके को समझाता है। सरोजा आंटी सुनकर खुश तो हुई, पर समझाती हैं कि क्यों ये प्लान काम नहीं करेगा। कितनी बार तुम यहाँ मालपुरा आ सकोगे काजू पेड़ा खरीदने, ताकि उसे सोलवा में बेच सको? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मैं खुद एक दुकान सोलवा में खोलने जा रही हूँ। दुकान लगभग तैयार है। बच्चों का दिल टूट गया। तुम लोग वापस सोलवा जाकर जोशी अंकल से क्यों नहीं मिलते? उनसे पूछो कि वो कैसे अमीर बने, सरोजा आंटी ने समझाया। वापस जाते हुए बच्चों ने सरोजा आंटी की सलाह मान ली और अगले दिन जोशी अंकल से मिलने का फैसला किया। अगले दिन सुबह 10 बज रहे थे। बच्चे ठीक जोशी अंकल के घर के नीचे इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने जोशी अंकल को एक बड़े से सोफे पर बैठे देखा, धूप में सूख रही लाल मिर्च की देखरेख करते हुए। जोशी अंकल आमतौर पर बड़े चिड़चिड़े मूड में रहते हैं। बच्चे थोड़े घबराए हुए हैं। मनी कहता है, आज मैं नहीं बात करने वाला, किसी और को करनी होगी। एक छोटी सी डिबेट के बाद उन्होंने फैसला किया कि आज तारा बात करेगी, क्योंकि तारा के पापा और जोशी अंकल दोस्त हैं। घबराते हुए बच्चे घर में घुसते हैं और धीरे से जोशी अंकल की तरफ चल पड़ते हैं। अरे वाह बच्चे लोग, तुम लोग झील के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? सारे बच्चे जोशी अंकल को मुस्कुराता देखकर खुश हो गए। हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या मुझसे? अब ये बूढ़ा आदमी तुम लोग के लिए क्या कर सकता है भला? तारा अब तक की सारी बात बताती है और कहती है कि सरोजा आंटी ने हमें आपसे मिलने को कहा। जोशी अंकल सब समझ गए और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या तुम बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनोगे और हर चीज समझोगे? हाँ। सब एक साथ चिल्लाए। तो सुनो, अमीर होने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो मेरे लिए और मेरे कुछ दोस्तों के लिए काम किया है। जब मैं छोटा बच्चा था, मैंने कई चीजें ट्राई की, गलियों में क्रिकेट खेलने से लेकर कविताएं लिखना और ब्रिज और सड़कों की तस्वीर बनाना। इसी उम्मीद में मैं शायद आर्किटेक्ट बन जाऊं। यहां तक मैं साइकिल को रिपेयर भी किया कि शायद मैकेनिक बन जाऊं। किसी भी चीज से मुझे खुशी नहीं मिली, लेकिन मैं ट्राई करता रहा। गर्मी में एक दोपहर को मैंने अपनी मार दादी को आम का अचार बनाते हुए देखा। बस वही था मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। मैं अचार बनाने के तरीके से काफी अट्रैक्ट हो गया और मैं उन्हें हर गर्मी के मौसम में अचार बनाते हुए देखा। और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अचार बनाना ही मेरा पैशन है। मैंने एकदम बढ़िया अचार बनाने के लिए अनगिनत घंटे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हर दिन मैं छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करता गया और इतने सालों में ये छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स जुड़ते गए और देखते ही देखते मैं सोलवा का सबसे बढ़िया अचार बनाने वाला बन गया। इसे मैं जादू ही कहूंगा कि ये छोटे छोटे पर रोज के इम्प्रूवमेंट्स जुड़ते चले गए। एक दिन मैं अपने इसी काम में सबसे माहिर बन गया। पता है, लोग इन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को कंपाउंडिंग कहते हैं। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हर दिन हमें एक दिन परफेक्ट बनाते हैं। हाँ तारा, उसे ही कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंपाउंडिंग जिंदगी के हर पहलू में काम करता है।
आपका स्कूल वर्क, आपकी हॉबीज, आपके स्पोर्ट्स, और जब आप बड़े हो जाते हो आपकी ऑफिस में भी कंपाउंडिंग काम करती है। आपको हर रोज छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते रहने होंगे और एक दिन आप सबसे बेस्ट बन जाओगे। पर कंपाउंडिंग हमें अमीर कैसे बनाता है? कंपाउंडिंग पैसों के साथ भी काम करती है। आज आपके पास जो पैसे हैं उसे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए रेगुलरली छोटे छोटे रिटर्न्स बनाती है, और कई सालों में ये छोटे रिटर्न्स जुड़ जुड़ कर बड़े हो जाते हैं और ऐसे आप अमीर बनते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? जोशी अंकल थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, तुम लोग सरोजा आंटी की दुकान पर अपने पैसों से काजू पेड़ा खरीदने गए थे, तुमने ऐसा क्यों किया? काजू पेड़ा खरीदने और उसे यहाँ सोलवा में बेचने। तो तुमने देखा, तुम अपने पैसों को काजू पेड़ा में इन्वेस्ट कर रहे हो इसी उम्मीद से कि ज्यादा पैसा बना सको। तुम इसे बार बार करना चाहते हो ताकि तुम अमीर बन पाओ। तुम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके कंपाउंड ही करना चाहते थे बिना जाने कि ये कंपाउंडिंग है। तो ये रही मेरी सलाह, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें सारे चीजें कंबाइन करनी होगी। पता लगाओ कि तुम्हारा पैशन है क्या और उसमें रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहो ताकि वो इम्प्रूवमेंट कंपाउंड हो पाए। जब तुम अपने काम में माहिर हो जाओगे तुम अपने आप पैसे बना लोगे। उन पैसों के साथ तुम इन्वेस्टमेंट्स करोगे और वो इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड होंगे और इस तरह अमीर बनते हैं। पर याद रहे, कुछ भी रातों रात नहीं होता, तुम्हें उसे समय देना पड़ेगा, बहुत सारा समय। मुझे पता है मैं पहले क्या कंपाउंड करूंगा। सब बच्चे क्यूरियस हो गए। माय इंग्लिश, मैं हर रोज एक वर्ड सीखूंगा और अगली गर्मियों की छुट्टियों तक मेरी इंग्लिश लर्निंग कंपाउंड हो जाएगी और मैं बेहतर हो जाऊंगा।